पीथमपुर के पास महू युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज रैली के रूप में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर शिवराज सरकार भ्रष्ट है के नारे लगाते हुए एमपीईबी को बिल माफ करने के लिए लालटेन सौंपने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान काफी देर तक हंगामा चला। मौके पर पुलिस के साथ ही तहसीलदार भी पहुंचे। पीथमपुर के पास महू में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और यहां पर नारेबाजी की। शिवराज सरकार भ्रष्ट है, कमलनाथ सरकार में 100 रुपये बिल, शिवराज सरकार में 20,000 रुपये बिल आदि नारे लगाए और विद्युत विभाग के एई को बाहर बुलाकर लालटेन सौंपने की बात कही। लेकिन काफ़ी देर तक विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया और मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो महू TI अभय नेमा भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भी काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद मौके पर तहसीलदार धीरेंद्र पराशर भी पहुंचे और युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव पुनीत शर्मा से उन्होंने काफ़ी देर तक चर्चा की, लेकिन वह एक जीत पर अड़े हुए थे कि विद्युत विभाग के AE बाहर आकर बात करें, लेकिन वे काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो शर्मा ने सभी के बिल लेकर बिलों में आग लगाने की बात कही, जिसके बाद तहसीलदार MPEB के AE राजेश कुमावत को बाहर लेकर पहुंचे और चर्चा की और सभी के बिल एक साथ उन्हें सौंपे और साथ में लालटेन भी उन्हें देने की कोशिश की, लेकिन वह लालटेन लेने को तैयार नहीं हुए और लालटेन के लिए काफ़ी देर तक जद्दोजहद चलती रही, जिसके बाद सभी के बिल लेकर उन्होंने चेक करने की बात कही। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जो बिल जारी हुए हैं अभी तक लॉकडाउन के बाद, बेसिकली जुलाई में से ये इशू आ रहा है, जुलाई और अगस्त में, इसमें नॉट ए सिंगल बिल, मतलब एक भी बिल ऐसा नहीं है जो गलत हो। जितने भी बिल उन्होंने दिए उसको मैंने बार बार चेक कराया है और पूरा सिस्टम से चेक कराया हुआ है, बिल में कहीं कोई गलती नहीं। जो इकट्ठे बिल की बात करते हैं उसमें वो उपभोक्ता है जिनका बिल 200 रुपये 100 रुपये आता है, लेकिन उसके वो बिल को भी नहीं भरना चाहते हैं। अगर आप बुला के उनसे पूछ लें कि लास्ट बार उनने बिल कब भरा था, ये 100 रुपये 200 रुपये, तो आपको बता नहीं पाएंगे कि ये हमने ये, क्योंकि भरना ही नहीं है ना, वो वैसी आदत पड़ी हुई है जो कि सब वैसा मिल जाए जो है। अब केवल और केवल जो है, जो भी आप बता रहे हैं कि जो भी नेता लोग इसमें यूथ कांग्रेस के थे, आई थिंक जो लोग आए थे, बिना किसी सूचना के, बिना प्रशासन की अनुमति लिए, बिना प्रशासन को सूचना दिए और इतना मुआव इकट्ठा करके पूरा जो है कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ के इस तरीके से आए हैं, ये ठीक नहीं है। मतलब ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करके कि बिल आपके ज़्यादा आ रहे हैं और इस टाइप से अपना जो है ये जो है अपना नाम चमकाने वाली बात है। केवल इसमें कोई बिल नहीं है, मैं कई बार दिखवा चुका हूँ, कंज्यूमर मेरे पास आता है, मैं खुद बिल दिखवाता हूँ। जितने भी बिल जारी हुए महू टाउन में, एक भी बिल में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, अभी तक तो नहीं मिली है। मैं राजेश माहौर, कार्यपाल यंत्री महू, MPB से। यूथ कांग्रेस के हम लोग सब साथी लोग आए थे और हमें बताना चाहते थे कि रोज लोग परेशान हुए पूरे मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति है कि जो जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तो 100 रुपये बिजली का बिल आता था, जिसको ये लोकतंत्र की हत्या कर हत्यारा शिवराज सिंह चौहान जब से आके बैठा है उसने ऐसी स्थिति कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, जो खरीद फरोख्त करके जो सरकार इसने गिराई थी लोकतंत्री हत्या कर जो पैसे देकर विधायक खरीदे थे, वो सारे पैसे इनको वसूली पे लगा दिया है MPB को, कि जो पैसे मैंने दिए, रुपए मैंने दिए, करोड़ों रुपए खर्चे, तो तुम बोले 100 के 15,000 करो, 20,000 करो, 45,000 करो और इनसे वसूलो गरीब जनता से। तो हम लोगों की मांग है कि जब तुमने खरीदी फरोती करी वो ठीक है जो करी, मगर ये मेरी आपकी पीड़ा नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की पीड़ा है। और कमलनाथ जी जब 100 रुपये कर सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने 115,000 क्यों पहुँचाए? मतलब इससे सिद्ध होता है कि बिजली के बिल बढ़े हुए हैं और शिवराज सिंह भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट है क्योंकि कमलनाथ जी शासनकाल में 100 रुपये और तुम्हारे शासनकाल में 15,000 रुपये। तो हम युवा कांग्रेस के साथियों का इतना सा बोलना है कि ये आदमी अपनी पीड़ा कहाँ बताएगा, रोज चक्कर काटने। इनको शिवराज सिंह ने बोल दिया भैया तेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, और जितने लोग चक्कर काटने थे वसूली चालू रख, उपचुनाव आ रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है शिवराज सिंह चौहान को कि ये वसूली बंद कराओ, उपचुनाव का खर्चा इन गरीबों से मत लो। मालूम है चुनाव आ रहे हैं, गरीबों से खर्चा लोगे। हमारे कमलनाथ 100 रुपये करते हो, तुम 15,000 रुपये करते हो। तो हमारी लड़ाई इस बात की है, COVID-19 में पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश की स्थिति जो है सबको मालूम है कि रोटी रोटी को, दाने दाने को आम आदमी बैठा हुआ है, खाना नहीं मिल रहा। तो इस महामारी के बीच में
आप लोगों को, हमारा शिवराज सिंह चौहान को, इन सब के पूरे मध्य प्रदेश के बिल माफ करने चाहिए भाई साहब, पूरे मध्य प्रदेश बिल माफ करने चाहिए। और हमने आज अधिकारी को लालटेन पकड़ाई है कि ये शिवराज सिंह चौहान को ये दो जाके वो पीड़ा बताओ कि मध्य प्रदेश में व्यक्ति बिल नहीं भर पा रहा, लाइट कटी पड़ी है और लालटेन जला के काम चला रहा है। तो आज युवा कांग्रेस साथियों ने लालटेन भेंट करी अधिकारियों को शिवराज को पहुंचाने के लिए, ताकि उसकी आंख और कान खुले। पुनीत शर्मा, अध्यक्ष युवा कांग्रेस मऊ विधानसभा, प्रदेश सचिव मध्य कांग्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।